बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम खजर मुस्तफ़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के वो सॉल्व करने के लिए हम नेटबीन्स के अंदर एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम का सिनेरियो ये है कि हम यूज़र से कोई मार्क्स एंटर करवाएंगे और फिर उसका ग्रेड हम स्पेसिफाई कर देते हैं। वो अज्यूम कर लेते हैं, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्कैनर क्लास इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो उसके लिए इंपोर्ट जावा डार यूटिल डार स्कैनर क्लास मैंने इंपोर्ट करा दी, और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने पहले फटाफट इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने इसका बना लिया, और इसके अंदर एज एन आर्गुमेंट जाएगा सिस्टम डॉट एन। इतना करने के बाद हम कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एंड मार्क्स, और एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। और इतना करने के बाद हम मार्क्स इज इक्वल टू ओ बी जे डॉट नेक्स्ट एंड, तो नेक्स्ट एंड मैंने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ हम अपनी कंडीशन लगाते हैं कि इफ यही मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 85 के, तो क्या होना चाहिए हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। कौन सा ग्रेड दे दें इसको, ग्रेड ए दे दिया मैंने। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो तो क्या आ जाए बाबा, ग्रेड बी दे देते हैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर ग्रेड बी इसके साथ ही ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ग्रेड सी। एल्स आखिर में एक एल्स स्टेटमेंट आती है जिसमें हम जिसको हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं, कि अगर मार्क्स इनमें से किसी में भी ना हो तो क्या हो, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कोई मैसेज यहाँ पर आप प्रिंट करा दें कि जी फेल है और ग्रेड डी, ये हम इसको साइन कर देते हैं। क्या यहाँ पर एरर दे रहा है एल्स विदाउट एरर, एल्स विदाउट एरर क्या मतलब है? ठीक है, उसकी ब्रैकेट बंद नहीं थी यार। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओहो हो, कोई कंपाइल टाइम लगा रहे, हट जाओ। मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा ही है, इसको
रन करते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स हम एंटर करते हैं 85, तो ग्रेड ए आएगा हमारा। दोबारा इसमें करते हैं, अगर मार्क्स हम करें 50, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो रही है। और इसको करें, अगर हम मार्क्स 72, तो ग्रेड सी आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था एल्स इफ लैडर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।